राधे कृष्णा गाइस, सोनी टैलेंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो कि दीपक के ऊपर आधारित है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हम जो दैनिक पूजा करते हैं अपने इष्ट देव या भगवान जी को, जो भी आप देवी देवता को दीपक लगाते हैं, सुबह हो या शाम जब भी आप दीपक लगाते हैं, तो उसमें जो बाती बच जाती है, यानी कि जो रुई की हम बत्ती लगाते हैं वो अगर बच जाती है तो उसका क्या करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये जानकारी भी दूंगी कि आपने सेम बत्ती को हर बार यूज़ करना है, यानी कि आपने जो सुबह की पूजा में बाती लगाई थी क्या उसी बाती को शाम में भी जलाना है। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आज आपको दूंगी। दीपक को क्या उसी दीपक में आपको फिर से दीपक लगाना है, इन सारी बातों को आज मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम बिना वक्त गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप दीपक लगाते हैं सुबह शाम जब भी आप पूजा करते हैं, तो सबसे पहली बात कि आपने दीपक को साफ़ कर लेना है। ये नहीं कि उसी दीपक में आप सिर्फ बत्ती चेंज कर रहे हैं, बार बार उसी बत्ती को लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं और फिर जला रहे हैं। ये दीपक आपको भगवान आपका स्वीकार नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हमेशा ध्यान रखिए कि आपको स्वच्छ दीपक ही जलाना है, साफ़ सुथरी दीपक जलाना है और बत्ती चेंज करके आपको जला लेनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुबह हो या शाम हो आपने दीपक इसी तरह लगानी है। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे बातों की ओर कि दीपक में जो बत्ती हम लगाते हैं वो पूरी तरह तो जलती नहीं है, उस बत्ती का क्या करना है। जो बत्ती बच जाती है, जो बाती दीपक में बच जाती है, उनका हमें क्या करना है, यूं ही फेंक देना है या फिर क्या करना है। बहुत सारे लोग जो हैं जाने अनजाने, जिनको पता नहीं होता है, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो आज इस जानकारी के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी से ये गलती नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि आपको जब भी बाती आपकी दीपक की बच जाती है तो आपको इधर उधर कहीं नहीं फेंकना है, उसमें झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, आपको डस्टबिन या किसी कचरे में नहीं फेंकना है। तो इसे करना क्या है, इसे आपको किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित भी आप अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बहुत सारे लोग प्लास्टिक बैग्स में डाल के उसको फेंक देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसे किसी मिट्टी के बर्तन में या फिर किसी सुराही टाइप की बर्तन में आपको उसे जमा कर लेना है पूरे टाइम का। मतलब आप उसे पहले जमा कर लीजिए दीपक की बत्ती को, एक महीने दो महीने, उसके बाद आप उसे उसमें कपूर डालकर आप उसका राख को प्रवाहित कीजिए। इससे हमारे पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचेगी और हमारी भक्ति भी और हमारी श्रद्धा भी बनी रहेगी। और दूसरा ये तरीका है कि अगर आपके पास कहीं जगह है तो आप उस सारी बाती को एक गड्ढे में डाल दीजिए, यानी कि वहाँ छोटा सा गड्ढा खोद कर आप उस बाती को वहाँ पर डाल दीजिए, ज़मीन के अंदर डालने से। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो भी बाती है वो किसी के पाँव के नीचे नहीं आएगी या कहीं गंदी जगह नहीं जाएगी, ये ज़मीन के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो आपने आस्था बनाए रखनी है, श्रद्धा से पूजा करनी है, लेकिन साथ ही साथ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी और मैं फिर से हाजिर होंगी आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।